वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसके टाइप्स का इसमें हम बताएंगे। ये बिलिंग और एस्टिमेशन का भाग 3 है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये एग्रीमेंट होता है ऑनर के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसके ऊपर इन्फोर्सेबल होता है, जो बनाया जाता है। और ताकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो एक जो काम को एग्जीक्यूट कर सके स्पेसिफिकेशन जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, यानी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का वो भी देख लेते हैं। ताकि सब्जेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सब्जेक्ट जो हो सिंपल हो और अंडरस्टेबल हो, यानी सबको समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग ना किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट हो वो हमेशा रिटेन में हो और दोनों पार्टीज़ का वो मस्त हो, एग्री हो, कंसेंट हो, यानी दोनों कोई फोर्सफुली उसके ऊपर ना हो और दोनों का उसमें साइन होना चाहिए। तो अब कौन कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो देख लें। तो सबसे पहला आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट या यूनिट रेट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसे कहते हैं। तो जैसा नाम से लग रहा है, आइटम वाइज जिसको हम पेड करते हैं उसको हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइटम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है और अमाउंट भी कॉन्ट्रैक्टर के उसी जैसा पेड किया जाता है। और ये गवर्नमेंट में जनरली यूज होता है। इसमें एडवांटेज होता है कि आपको शुरू में ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें परसेंटेज के जो भी वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग पेड किया जाता है और ये भी स्टेट डिपार्टमेंट में यूज होता है। इसका एडवांटेज है कि कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट होता है और डिसएडवांटेज है कि इसमें इस जो जॉब फिनिश होता है वो इनकन्वीनियंस होता है और टोटल कॉस्ट हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, जो पहले का डिसएडवांटेज था वो इसका भी है। थर्ड है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, एक तरह से आपको शुरू में ही एक अमाउंट दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को ताकि वो वर्क को शुरू कर सके। इसमें जो कंट्रोल होता है टेंडेंसी वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इंक्रीज किया जाता है लास्ट में पैसा का। ये जनरली अब यूज नहीं किया जाता है और ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, स्मॉलर टाइम के लिए ही अच्छा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, नहीं तो बाद में हैरिस बड़े प्रोजेक्ट में ये अच्छा नहीं होता है और हरीस हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें साथ साथ जो आपका क्वालिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो जाता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इसका क्वालिटी भी ख़राब कर देते हैं, इसीलिए ये अब यूज नहीं किया जाता है। तो ये थर्ड था कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। जैसा नाम से ही है कि कॉस्ट जो प्लस है फिक्स्ड एक तरह का फी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। तो चलिए अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ है कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी और स्केल ऑफ फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर पेड करता है ऑनर को, एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीज हो जाता है लास्ट में उसके लिए, ताकि आपको एस्टिमेटेड जितना भी हो ताकि इंक्रीज ना हो वो कॉस्ट और या डिक्रीज ना हो एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इसमें एडवांटेज होता है कि कॉन्ट्रैक्टर तो वो इंक्रीज पैसा लास्ट में नहीं करता है जो अभी तक दिनों में हो रहा था। और डिसएडवांटेज ये है कि क्वालिटी ऑब्वियस ही बात है वो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेगा, तो मटेरियल को क्वालिटी ख़राब कर देगा, तो मटेरियल जो होता है वो कंप्रोमाइज हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ताकि इंक्रीज अपना उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, वो पैसा कमा सके। तो ये फोर्थ था कॉस्ट प्लस वेरिएबल और स्केल ऑफ फी। अगर आप कोई भी को नाम देखेंगे तो आपको उसी से समझ आएगा। जैसे कॉस्ट प्लस वेरिएबल, यानी कॉस्ट दिया जाता है एक तरह का फी या स्केल ऑफ फी भी उसको बोलते हैं। तो जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, बस थोड़ा सा नाम को तोड़ तोड़ के पढ़िए। नेक्स्ट है फी। पांचवा कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज। उसमें क्या था, एक तरह का अमाउंट दिया जाता था, इसमें एक तरह का फिक्स्ड परसेंटेज देंगे कॉन्ट्रैक्टर का। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, तो कॉन्ट्रैक्टर इज पेड कॉस्ट ऑफ विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फी। आपका जो एक परसेंटेज के तौर पर उनको पैसा पेड किया जाता है। कंट्रोल
ये परचेस ऑफ मटेरियल और मैन पावर का इसमें रहता है, यानी आप किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, किस तरह का मैन पावर रख रहे हैं, या मैनेजिंग किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो ये था फिफ्थ, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज। नेक्स्ट है सिक्स, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। यह सिंगल फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर एग्री करता है परफॉर्म स्पेसिफिक कोई भी जॉब के लिए, सम के लिए, कि हमको इतना पैसा दे दीजिए और इसमें हम इतना काम कर देंगे। ऑनर प्रोवाइड करता है उसको क्या किस तरह का काम चाहिए, स्पेसिफिकेशन देता है कि हमें इस तरह का वर्क चाहिए, और दोनों पार्टी एक फिक्स्ड कंडीशन के द्वारा प्रिसाइज मतलब एग्री होते हैं कि हाँ हम इस तरह का आपको काम करके देंगे। इसका एडवांटेज होता है कि ओनर अवेयर रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में कितना है और सूटेबल होता है कोई भी छोटा प्रोजेक्ट के या वर्क काम के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट होता है अगर आपको कुछ कोई भी चीज़ चेंज करना हो बाद में एग्जीक्यूशन के बाद, इसका डिसएडवांटेज है। और कोई भी अगर जैसे हताश आ गया, जैसे अभी कोविड आ गया या कोई सुनामी या भूकंप इस तरह का, तो इस केस में जो सारा बर्डन होता है यानी सारा लोड कॉन्ट्रैक्टर पे आ जाता है, क्योंकि उसको पहले ही कह दिया जाता है कि हमारा इतना आपको पैसा देंगे, हमको ये लमसम आपको इतना में काम करके देना होता है। इस तरह कोई तरह का नेचुरल डिजास्टर आ गया तो ये ऑनर के द्वारा, यहाँ ऑनर हमारा डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। आपको उस केस में भी आपने काम लिया है तो वो आपको करके देना ही है। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए ये भी नाम से ही पता चल रहा है, लमसम यानी हम आपको एक लमसम पैसा दे देंगे, तो हमें आप उस काम उतना पैसा में आप उतना काम करके दीजिए। सभी नाम से ही आप तोड़ के पढ़िएगा ध्यान से तो समझ आएगा। सेवेंथ है लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये भी नाम से है कि सिर्फ लेबर के तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, यानी आपको लेबर के लिए पैसा दिया जाएगा। तो ये ऑनर यानी डिपार्टमेंट पेड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, सिर्फ लेबर यूज करता है प्रोजेक्ट में उसके लिए लेबर, यानी आप हमको इतना लेबर ला कर दे दीजिए बाकी हम अपना काम करवा लेंगे, तो सिर्फ आपको लेबर के लिए पेड करेगा। तो ये था लेबर कॉन्ट्रैक्ट सेवेंथ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जब भी मैं ऑनर बात करूँ तो डिपार्टमेंट ही है। एथ है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा दोनों पार्टी के बीच कॉस्ट नेगोशिएट यानी कम या ज़्यादा किया जाता है, यानी आपका ओनर और आप कॉन्ट्रैक्टर दोनों के द्वारा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपस में विचार विमर्श के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट यानी किया जाता है, कम या ज़्यादा, तो उसको नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाइन्थ है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का एडिशनल फीस मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे आपने टारगेट दे दिया किसी को कि आप हमको, ये आपको टारगेट दिया जाता है कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, अगर वो कंप्लीट कर दिया जाता है तो उसको एक एडिशनल फी पैसा दिया जाता है इनाम के तौर पर। तो ये एडिशनल फी दिया जाता है कंप्लीट करने के बाद। तो ये था टारगेट कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह का एडिशनल फीस कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। टेंथ है टर्नकी प्रोजेक्ट। ये देखिए नाम से है टर्न यानी आप पूरा कर लो और की यानी चाबी ले लो, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको टर्नकी कहते हैं, जो कि ऑनर के द्वारा यानी जो डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि आप सब कुछ अपना सारा एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट का खुद ही प्लान करो, खुद ही ड्राइंग बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, मेंटेनेंस करके दो, मतलब पूरा प्रोजेक्ट को आप हर चीज़ करके हमें कंप्लीट करके उसको मेंटेन करके उसको ड्राइंग बना के सब कुछ करके हमें दे दो, तो टर्न की प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 11 पैकेज कॉन्ट्रैक्ट। ये दो और दो से ज़्यादा रिलेटेड वर्क को हम एक साथ एक कॉन्ट्रैक्टर को पैकेज के फॉर्म में दे देते हैं, यानी दो तीन छोटे छोटे चीज़ों को एक पैकेज बनाकर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, तो उससे हम पैकेज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टू और मोर रिलेटेड जॉब्स आर गिवन इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज पैकेज। 12th है कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का कोई काम कर रहा है और उसको न्यू या एडिशनल वर्क अवार्ड, अच्छा काम किया तो उसको दे दिया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को, वही सेम जो काम पे जो एग्री पे कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये था कंटिन्यू 12वां। नेक्स्ट 13वां देखते हैं, 16 टोटल है। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नाम से चल रहा है, रनिंग यानी कोई भी काम कर रहा है अच्छा, गुड और सर्विस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है, तो उसी को हम एक और कंटिन्यूइंग दे दिए फिक्स्ड पेमेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड गुड और सर्विस एट स्पेसिफाइड इंटरवल एट द रिक्वायर्ड बाय द ऑनर, जैसा रिक्वायर्ड चाहिए ऑनर को। इन केस द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, अगर प्राइस फिक्स नहीं है पेमेंट, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट यानी जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाता है। तो रनिंग कर दिया यानी इतना हमने पहले आपको काम दिया था, इतना हमें और आपसे काम करवाना, तो रनिंग में दे दिए। तो ये था 13वां रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है 14 BOI कॉन्ट्रैक्ट्स। BO यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये कॉन्ट्रैक्टर कोई भी प्रोजेक्ट को बनाता है, उसको ऑपरेट करता है और ट्रांसफ़र कर देता है गवर्नमेंट। जैसे आपने कोई रोड बनाया, हाईवे बनाया, उसको आपने पहले बनाया, फिर ऑपरेट किया, फिर बाद में कुछ साल बाद आपने ट्रांसफ़र कर दिया फिर से जिस गवर्नमेंट को बनाया था उसको, तो ये हो गया BOI। ये जनरली हाईवे में ही यूज होता है। नेक्स्ट है 15 डिपार्टमेंटल वर्क या डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट। ये नो, इसमें किसी तरह का नो कॉन्ट्रैक्टर विलिंग एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका बिलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता, टेंडर को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उस केस में डिपार्टमेंट खुद ही काम करता है, उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल वर्क या डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें डिपार्टमेंट खुद से काम इटसेल्फ वर्क करता है और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। 16 है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में अगर कोई माइनर पर्सन है, जैसे उसका एज 18 से कम है और उसने वहाँ पर साइन कर दिया है, तो वो वैलिड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड हो जाता है यानी खारिज, 0 वॉइड, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत कम बट हो सकता है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये 16 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ आएगा, समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के द्वारा मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।